अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार का समन्वयन हो जाए तो क्या हम एक श्रेष्ठ भारत बन पाएंगे? और अगर हम नहीं बन पा रहे हैं या आज हम वहां नहीं है तो हम क्यों नहीं है? आपने बहुत सही पूछा और मुझे लगता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में हम श्रेष्ठ एक तो हैं हम, लेकिन श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पा रहे हैं या कहां कमी रह जा रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि राज्य और केंद्र, राज्य और नगर निगम या पंचायतें, इनके बीच कैसे समन्वय होगा, यह देश के संविधान में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जिसको न संविधान की चिंता है, न राज्यों की चिंता है, न पंचायतों की चिंता है, उसको बस एक नेता के मैं की चिंता है, मैं। उसका नुकसान सारे राज्यों को हो रहा है और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में सबसे बड़ी बाधा यह है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार राज्यों को कुछ मानती नहीं है। अगर अपने भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं तो वहां ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री हो ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां बीजेपी का शासन नहीं है वहां के राज्यों के काम लगातार रोकते रहिए, आप सरकारों को गिरा दीजिए, राज्यपालों का दुरुपयोग करिए। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब पंचायतों को और नगर निगमों को राज्य सरकारों से स्वतंत्र अधिकार हों, जो कि संविधान में गारंटी दी गई है। राज्यों को, क्योंकि वी आर फेडरल, वी आर नॉट डिपेंडेंट, हम जो भारत हैं हम फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस हैं, वो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जितना हम संविधान के हिसाब से चलाएंगे उतना हम एक भारत श्रेष्ठ भारत होते रहेंगे। जितना हम ये कहते रहेंगे नहीं साहब केंद्र सरकार मालिक है, केंद्र सरकार बॉस है, सारे राज्यों की बॉस है केंद्र सरकार, सारे नगर निगमों की बॉस है, कभी भी श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। एकता तो भारत की जड़ में है, उसको तो तोड़ नहीं सकते लोग, लेकिन श्रेष्ठ बनने के लिए ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, संविधान का रास्ता। क्या सारी गलती केंद्र सरकार की है? राज्य सरकार, चाहे वो बंगाल की सरकार हो, चाहे वो आपकी सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, क्या वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है? सारी की सारी गलती आप सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है कहते हैं केंद्र सरकार की। देखिए, देश के लोग, किसी राज्य के लोग या नगर निगम में कहें तो पंचायत या नगर निगम के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, उस सरकार को काम करने दें। काम करने में सरकार गलती भी करेगी और जनता उसको उसकी सजा भी देगी। संविधान में व्यवस्था की गई है कि अगर सरकार ने गलती की तो नीचे से उठा के जनता ऐसे पटकेगी कि अगली बार पूछेगी भी नहीं, कई कई बार तक नहीं पूछेगी। ये पावर जनता को दी गई है, केंद्र सरकार को नहीं दी गई है। ईडी सीबीआई को मत दीजिए ये पावर। ईडी सीबीआई नहीं, राज्यपालों को मत दीजिए, ईडी सीबीआई को तो दीजिए ही मत, राज्यपालों को मत दीजिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी विपक्ष के राज्य हैं, राज्यपाल केवल और केवल, मैं तो हंस रहा था एक दिन कि अब इस देश में राज्यपालों का केवल एक ही काम रह गया है, पहले सरकार को शपथ दिलाते हैं और अगर विपक्ष की सरकार हो तो उसके बाद 5 साल उसको गिराने में लग जाते हैं। राज्यपाल केवल एक ही काम करते हैं देश में, पहले मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाएंगे और अगर विपक्ष का मुख्यमंत्री है तो अगले 5 साल उसकी कुर्सी कैसे खींच ली जाए, उसकी पार्टी कैसे तोड़ दी जाए, इस तिगड़म भिड़ाएंगे। तो ये राज्यपाल क्या करेंगे भाई देश में? एक भारत श्रेष्ठ भारत में ईडी सीबीआई तो है ही, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम राज्यपाल उपराज्यपाल के पद है, इनको खत्म कर देना चाहिए। वो बहुत बड़ी बात मनीष सिसोदिया यहाँ पर इस मंच से कह रहे हैं, जी न्यूज के मंच से, कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद को खत्म कर देना चाहिए। जी